जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा पूजन विधि। यह व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के दिन किसकी पूजा और किस तरह से की जाती है, इसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग दिन होती है। इस वर्ष संतान सप्तमी का त्यौहार 22 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस साल संतान सप्तमी व्रत पूजा के मुहूर्त का समय इस प्रकार है। संतान सप्तमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 22 सितंबर 7:35 से सुबह 9:10 के बीच पूजा का समय है। दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक संतान सप्तमी शुभ मुहूर्त एवं तिथि। सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 9:10 के बीच होगा। इसके अलावा दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक संतान सप्तमी की पूजा की जा सकती है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती है। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी की व्रत विधि। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। यह व्रत पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु जी शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। इनकी पूजा कर उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत श्रीफल नारियल सुपारी अर्पण की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवार जनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रख उनसे अपने मन की मुराद की जाती है। बाद में उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवार जनों एवं आस पड़ोस में
वितरित किया जाता है। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व। लोमस ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिसे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया। अयोध्या का राजा था नहुष, उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां बहुत सी स्त्रियां स्नान कर संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गए। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रावती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा ने ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार के भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उससे भूषणा केवल के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरी विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।